कैसे हैं आप सब। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आईयूपैक रूल्स LO3 नोमेनक्लेचर, इसमें हमने सबसे पहले हेडजेक विडमैन नोमेनक्लेचर हमने इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन नेम के बारे में। देखो कॉमन नेम्स को हम उनके प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे सबको पता ही होगा कि कॉमन नेमिंग होती है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनिक में, जब आपके पास मेडिकल नॉन मेडिकल रहा होगा आपके प्लस वन प्लस टू क्लासेस में, तो आपको पता होगा कि कॉमन नेम होते क्या है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपाउंड का एक नेम होता है जो हमें उसका एज इट इज लर्न करना होता है, ठीक है। सो कॉमन नेम्स, दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट रिंग सिस्टम विच आर नेम्ड वाइडली नोन विद देयर नॉन सिस्टेमिक एंड कॉमन नेम्स। तो हम कॉमन स्ट्रक्चर्स देखेंगे, यानी कि सॉरी स्ट्रक्चर देखेंगे जिसका एक कॉमन नेम होगा, ठीक है, वो आपको लर्न करना होगा। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग है, सिक्स मेंबर रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको हम पायरान बोलेंगे, ठीक है। और अगर फाइव मेंबर रिंग में आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको फ्यूरान बोलेंगे। अगर आपके पास देखो फ्यूरान और पायरान थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम जनरली ऑक्सा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्यूरान से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और उसको पायरान से रिप्रेजेंट किया है। और नेक्स्ट हमारे पास है थायफिन। थायफिन में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है तो थाया रिप्रेजेंट करते हैं सल्फर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा पायरोल जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये भी थोड़ा डिफरेंट एक तरह से कॉमन नेमिंग हो गई इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स मेंबर रिंग है कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, तो यहाँ पे पायरिडीन इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पायरिडाजीन जो है इसके पास दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है जो कि साथ साथ लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडोल। देखो इंडोल का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लर्न कर लेने के बाद। देखो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, फुरान, थायफिन, पायरोल और इंडोल वगैरह, ठीक है, क्विनोन, आइसोक्विनोन, इनके हमें सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिन यूज भी आगे डिस्कस करने हैं डिटेल में वो भी, ठीक है। तो इनको अभी से लर्न करके रख लो कि कौन कौन से, एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर्स तो पता होना चाहिए, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्स दिमाग में छपे होने चाहिए। जब आपकी सिंथेसिस, रिएक्शन वगैरह आप करोगे इनकी, तो आपको लर्न होना चाहिए इनको, ठीक है, तभी तो आप रिएक्शन सिंथेसिस कर पाओगे इनकी आगे। और अगर आप इनकी मेडिसिन यूजेस करोगे तो वो एक तरह से डेरिवेटिव्स होंगे इनके, तो आपको डेरिवेटिव्स लर्न करने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पायरो मतलब इसका इंडोल जैसे होता है ना, इंडोल का डेरिवेटिव आपको लर्न करना होगा, ऐसे मतलब मेडिसिन यूजेस होते हैं इसके, तो आपको अभी से इनको इंडोल वगैरह के स्ट्रक्चर लर्न करने होंगे, ठीक है। वैसे इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएंगे लर्न, ईजी से हो जाएंगे, एक दो बार लिख कर देखोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विनोलोन। देखो जो क्विनिलीन और आइसोक्विनिलीन है, तो अगर इन दोनों में फ़र्क देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, और अगर आइसोक्विनिलीन में देखो तो यहाँ पे मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो ये भी इजी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दो सिक्स मेंबर आपके पास रिंग्स हैं, ठीक है। देखो वैसे तो आप इसमें से पाँच ही लर्न कर लेना, ठीक है, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दो बार बन गया, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया गलती से, यहाँ पे नीचे बन गया दोबारा, ठीक है। तो वैसे तो आप इसमें चार पांच लर्न कर लेना कॉमन नेम में, ज़्यादा इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स की। देखो इसके जो कॉमन नेम्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। देखो जो कॉमन नेम्स में क्या होता है, फ्यूज रिंग होते हैं ना, उसके कॉमन नेम होते हैं, फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हमारे पास होती है, उसके कॉमन नेम्स हमारे पास होते हैं, लेकिन उनके रूल्स भी कुछ होते हैं कि उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। देखो जो नेमिंग ऑफ फ्यूज रिंग सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास दो रिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अगर एक बार पढ़ लेना, डेफिनेशन में ये सब लिखा हुआ है कि दो रिंग्स होने चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, वो ये सब लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं रूल्स की, रूल्स फॉर नेमिंग फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जैसे एक सपोज करो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड के फ्यूज है हमारे पास, ठीक है। आप इसमें हमें पता लगाना होता है कि कौन सा अटैचमेंट कंपाउंड है हमारे पास, कि कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है बेस कंपाउंड, ठीक है, एक बेस कंपाउंड होता है, एक अटैचमेंट कंपाउंड होता है। अब बेस कंपाउंड जो होता है ना, हम इसमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस कंपाउंड हम कैसे करें, क्योंकि बेस कंपाउंड क्या होगा आपका, सफिक्स में आप उसको लिखते हो, ठीक है, आपको जो सफिक्स होता है वहाँ पे आपको बेस कंपाउंड को लिखना होता है। देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास होगा एक अटैचमेंट कंपाउंड, ठीक है, जो आपके बेस कंपाउंड के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रूल्स हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें उसके अंदर बेस कंपाउंड को ढूंढना है, ठीक है, बेस कंपाउंड को ढूंढना है, क्योंकि हम यहाँ पे सफिक्स में लिखेंगे उसको, ठीक है। आपको लेकिन उसके रूल्स हैं, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स दिए हुए हैं,
उसके अकॉर्डिंग हम बेस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पे सफिक्स में इसको ऐड करेंगे। तो प्रीफिक्स क्या होता है? अटैचमेंट कंपाउंड। अटैचमेंट कंपाउंड तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, वो भी उसको भी रूल्स होते हैं अपने, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, ये मैं आपको बात बताऊंगी जब हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द बेस कंपाउंड शुड ऑलवेज बी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो आपके पास बेस कंपाउंड होगा वो आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये होगी आपकी। और आपको चॉइस कैसे करना है, अगर मान लो आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इसको चॉइस नहीं कर पा रही, तो आपके पास रूल्स होंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पे कौन सा जैसे आपको चॉइस करना है उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे रूल्स होंगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस कंपाउंड। तो फर्स्ट हमारे पास रूल है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखना है। तो अगर मैं इसमें जो हमारे पास फ्यूज रिंग है इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज सिलेक्टेड एज अ बेस कंपाउंड। तो हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होगा, जो बेस कंपाउंड होगा, जो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वही आपका बेस कंपाउंड होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है हमारे पास और एक 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो हमारे पास जिसके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ये वाली हमारे पास रिंग है, तो उसका नाम क्या है, पायरिडीन है। तो हमारे पास बेस कंपाउंड क्या हो गया, पायरिडीन, ठीक है। अब अगर मान लो नाइट्रोजन एबसेंट हो आपके उसके अंदर, आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर एबसेंट ही प्रेजेंट हो तो क्या करोगे, सॉरी नाइट्रोजन ही अगर एबसेंट हो तो क्या करोगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसके पास सल्फर होगा तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सल्फर के पास, अगर इन दोनों में देखो तो बेस कंपाउंड कौन सा, जिसके पास सल्फर है तो ये 6 मेंबर रिंग है और ये सल्फर है। तो हमने पहले शुरू में देखा था जिसके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ही देंगे प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसके पास है, इसके पास है 5 मेंबर रिंग के पास, ठीक है। और इसमें बोला सल्फर, एक यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे पास एक टेबल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था टेबल हमारे पास था। तो ऑक्सीजन, सल्फर, देन नाइट्रोजन, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सल्फर है हमारे पास, तो हमने इसको क्या नाम दिया, थायफिन, थायफिन। तो नेक्स्ट अगर आप देखो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। तो उसका हम क्या, जो हमारा बेस कंपाउंड होगा वो क्या होगा, फ्यूरान। नेक्स्ट हमारे पास है इफ रिंग ऑफ अनइक्वल साइज, रिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज मीन्स कि सपोज आपकी एक रिंग जो है वो 5 मेंबर है, एक 6 मेंबर है, तो वहाँ पे अनइक्वल रिंग आ गई है, यानी एक 6 मेंबर होगी, एक 5 मेंबर होगी, तो अनइक्वल तो आएगी वो, ठीक है। आर प्रेजेंट देन द वन विद लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रिंग इज सिलेक्टेड। तो यानी जो आपकी लार्जेस्ट साइज की रिंग है आपकी, ठीक है, तो उसमें से 6 मेंबर रिंग जो है आपकी लार्जेस्ट है, तो आप किसको क्या नाम देंगे उसका, जो हमारे पास 6 मेंबर रिंग होती है विद ऑक्सीजन, उसका नाम क्या होता है, पायरान, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारे 6 मेंबर रिंग है विद ऑक्सीजन, पायरान, तो हमारे बेस कंपाउंड हो गया पायरान, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है इफ द रिंग्स और इक्वल साइज विद द डिफरेंट नंबर हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट, मींस आपके पास इक्वल जो रिंग्स है, दोनों इक्वल है, 5 मेंबर रिंग, दोनों 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स है। सपोज आपके पास एक रिंग के अंदर एक ही हेटेरो एटम्स है और दो रिंग, मतलब एक रिंग के अंदर दो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ऑब्वियसली बात है जिसके पास दो हेटेरो एटम्स होंगे, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स होंगे तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सैजोल, ठीक है, ऑक्सैजोल हमारा बेस कंपाउंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ रिंग्स ऑफ अ सेम साइज, आपका रिंग का साइज यानी दोनों रिंग आपके पास 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है, दोनों 6 मेंबर की रिंग है एंड विद द सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ हेटेरो एटम्स, यानी आपका जो नाइट्रोजन का नंबर है यहाँ पे अगर आप देखो हेटेरो एटम का नंबर है वो भी सेम है और सेम ही तरह के, यानी दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या दिया हुआ है, हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है दोनों में दो दो नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, और सेम हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप कैसे इसको मतलब बेस कंपाउंड चॉइस करोगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ बेस कंपाउंड होगा वो उसको आप कैसे करोगे, लोएस्ट लोकेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको प्रेफरेंस दोगे। यानी लोएस्ट लोकेशन नंबर क्या होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ लोएस्ट लोकेशन नंबर, कि जो हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड है वो लोएस्ट लोकेशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। देखो अगर आप यहाँ पे देखो दूसरे वाले उसमें साइकिल में, तो नाइट्रोजन आपका दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन पास पास प्रेजेंट है, तो लोएस्ट लोकेशन किसकी हुई, इस वाले की, पहले वाले रिंग की। तो यहाँ पे बेस कंपाउंड कौन सा होगा, बेस कंपाउंड होगा हमारे पास पायरिडाजीन। तो हमारे पास पायरिडाजीन कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। और इस वाली रिंग को हम बोलते हैं पायराजीन, पायराजीन,
ठीक है, अगर हमारे पास दूर दूर नाइट्रोजन कंपाउंड हो तो उसको हम पायरोजेन बोलते हैं, अगर लोएस्ट लोकेशन में प्रेजेंट हो, यानी एक मतलब एक सामने वाले की सामने वाले प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि उसके अल्टरनेटिव में होगा, मतलब आमने सामने होगा, तो यहाँ पे हमारे कौन सा कंपाउंड है, पायराडाजीन, पायराडाजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटैचमेंट कंपाउंड की, जो हमारे पास अटैच कंपाउंड था उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे वहाँ पे, तो हमारे पास इसका एक रूल होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे पायराजीन अगर आप देखो तो पायराजीन आप यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह यूज करोगे, तो पायराजीन का लिखने का एक रूल होता है। तो फर्स्ट हमने क्या बात की थी कि अगर हमारे पास पहले हम लिखेंगे अटैचमेंट, जो हमारे पास कंपाउंड होगा, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ बोल सकते हो अटैचमेंट बॉन्ड, यहाँ पे हम बॉन्ड्स वगैरह देखेंगे अभी बाद में, और उसके बाद हमारा होता है जो हमारा बोल सकते हो बेस कंपाउंड, ठीक है, तो ये सफिक्स हो गया, ये प्रफिक्स हो गया, और जो हमारे ये मिडिल में होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे अटैचमेंट कंपाउंड जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बेस कंपाउंड तक सफिक्स हो गया, ठीक है, अगर इसकी प्रफिक्स की बात करें तो हमारे पास पायराजीन जो है प्रफिक्स है, तो हम प्रफिक्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रूल है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पायराजीन ले लिया, तो पायराजीन को जब हम प्रफिक्स में लिखेंगे तो हमें यहाँ से ई को हटा के ओ यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे पायराजोल है, पायराजोल जो हमारे पास है यहाँ पे ई लगा हुआ है आखिरी में, तो हम इसको पायराजोला ओलो मतलब ओल ओल लगा दे, जोलो जोरो बोलो, ठीक है, आखिरी में जोरो, ठीक है, थायजोल है तो थायजोलो, तो ओ हम वहाँ पे लगा देंगे आखिरी में, ठीक है, तो हम एज इसको प्रफिक्स यूज करेंगे। तो ये हमारी है अटैचमेंट कंपाउंड्स। देखो अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है हमारे पास, अब यहाँ पे हर एक केसेस में ई को हटा के ओ नहीं लगाना, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रेफिक्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो पायरिडीन, देखो पायराजीन और पायरिडीन में कंफ्यूज मत होना, वो पायराजीन था, अगर हम पीछे जो किया था वो पायराजीन था, ये पायरिडीन है, यहाँ पे बस जेड का फर्क है, वहाँ पे जेड था और यहाँ पे ए भी आएगा, ठीक है, आई की जगह ए आएगा, तो वो पायराजीन था, ये पायरिडीन है, तो पायरिडीन को हम कैसे लिखेंगे, पायरिडो, पायरिडो, यहाँ पे हमने पूरा इन को ही हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूनोलीन, तो यहाँ पे हमने लीन को हटा के क्यूनो रख दिया, आइसोक्यूनोलीन को हमने यहाँ पे लीन हटाया तो आइसोक्यून बन गया, फ्यूरान को हमने फ्यूरो बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस आपको लर्न करनी होंगी, आपको पता है एक्सेप्शन तो आपको लर्न करनी होती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको उसकी नंबर ऑफ अटैचमेंट बॉन्ड के बारे में करना था, ठीक है, हमने बताया था नंबर ऑफ अटैचमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे अटैचमेंट आपके पास क्या था, अटैचमेंट आप कंपाउंड ये वाला था आपके पास, ये तो फ्यूरान हो गया, फ्यूरान तो एक तरह से क्या कहते हैं सफिक्स था, बेस कंपाउंड था, तो यहाँ पे फ्यूरान को पैसिटीज लिखोगे, इसे कोई नंबरिंग नहीं करोगे आप, लेकिन जो हमारे पास अटैचमेंट कंपाउंड होता है उसकी नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर को ओबे से बाद आप नंबर वन दोगे, तो 1 2 3 4 5 या इधर स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, तो हमारे पास अगर हमारे पास वन और टू होगा तो हम उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही 2 और 3 होगा तो हम उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 और 4 को हम सी से करेंगे, 4 और 5 को हम डी से करेंगे, और 5 और 6 को हम ई से करेंगे, ईजी था, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे आपको इटैलिक लेटर्स पता क्या होते हैं, इटैलिक लेटर्स सबको पता होगा, जैसे मान लो हम स्टाइलिश में लिखते हैं ऐसे टेढ़ा करके इसको, ठीक है, तो ऐसे ही, ये तो मैंने थोड़ा वैसे लिखा हुआ है लेकिन ऐसे थोड़ा मतलब टेढ़ा हो जाता है वो, ठीक है, स्टाइलिश ऐसे गिरा हुआ सब, तो यहाँ पे इसको इटैलिक लेटर्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हमारे पास हो गया पूरा सिस्टम क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रफिक्स भी हमें क्लियर हो गया कि अटैचमेंट जो हमारे पास कंपाउंड थे वो हमें कैसे लिखने हैं, ठीक है, उसके हमने रूल सारे पढ़ लिए, अब हमने नंबर ऑफ अटैचमेंट बॉन्ड्स हमने देख लिया कैसे करते हैं उसको, कि 1 और 2 को ए देना है, 2 और 3 को हमें बी देना है, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल, तो हम इसी एग्जाम्पल के बाद देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले हमें क्या करना है, प्रफिक्स को ऐड करना है, प्रफिक्स हमारे क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो हमारे पास ये थायोफिन है, थायोफिन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये थायोफिन जो होता है हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन में पढ़ा था, थायोफिन को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, थाइनो से, ठीक है, तो थाइनो यहाँ पे ओ लगा दिया हमने, ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर तो लिख दिया यहाँ पे थाइनो, ठीक है, फर्स्ट हमारे हो गया प्रफिक्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटैचमेंट बॉन्ड, अब हमारे पास अगर आप देखो अटैचमेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, यानी जो हमारे पास जो ये फ्रॉन लगा हुआ है तो ये कौन कौन से नंबर से अटैच है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से, मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कब शुरू कर सकते थे, अगर ये वाली रिंग यहाँ पे लगी होती, ठीक है, वैसे एक इस साइड है दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो यहाँ से हमें 1 को इसको 2 नंबर देना है, जहाँ पे हमारे पास जो रिंग है लोएस्ट नंबर पे पड़े, तो हमारे पास जो रिंग है कौन कौन से उससे अटैच है, 2 से और 3 से, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, ठीक है, देखो हमने क्या किया था,
हमारे पास स्ट्रक्चर है एग्जाम्पल के लिए। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास सल्फर वाला, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड क्या बोलते हैं, फाइव मेंबरिंग को थायफिन बोलते हैं। और थायफिन को हमने एक तरह से एक्सेप्शन माना था, ठीक है। एक्सेप्शन को हमने किससे लिखा था, थाइनो से, यहाँ पे ओ लगा हुआ है, ठीक है, एक्सेप्शन है ये हमारा। तो हमने इसको प्रफिक्स में लिख दिया यहाँ पे थाइनो। और उसके बाद हम बात करनी है अटैचमेंट बॉन्ड की। हमारे पास जो फ्यूरान है, जैसे फ्यूरान हमारे पास बेस कंपाउंड है, तो उस बेस कंपाउंड को ये जो रिंग है इसने कौन कौन से नंबरिंग से जुड़ा हुआ है, तो टू और थ्री से जुड़ा हुआ है। देखो फाइव और फोर से तो नहीं जुड़ा, यहाँ पर तो कोई रिंग नहीं लगी, तो थ्री और फाइव जो टू और थ्री है उससे जुड़ा फ्यूरान। तो हमें टू और थ्री, और टू और थ्री को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से। तो हम यहाँ पे इटैलिक लेटर में बी लिख देंगे, उसके बाद जो हमारी रिंग जुड़ी हुई है फ्यूरान, तो हम उसको फ्यूरान लिख देंगे। ये हमारा था सिंपल सा नोमेनक्लेचर, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, वही सेम स्ट्रक्चर है, मैंने थोड़ा सा उसको स्पीड करके लिखा है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, तो हमने इसको वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो टू और थ्री पे हमारे पास बी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी टैलिक लेटर में, ठीक है, वो सेम लिखा। और फ्यूरान हमारे पास लगा हुआ था इसलिए हमने फ्यूरान लिखा है, उसको हमने स्प्लिट करके लिखा ताकि आपको ईजी हो जाए इसको, मतलब इसकी नेमिंग करना, ठीक है। तो ये था कॉमन नेमिंग, इसके हमने रूल्स वगैरह देखे इसमें, ठीक है। उसके जो एग्जाम्पल्स आपको बोल लर्न करने हैं और जो उसके एक्सेप्शन वगैरह हैं, ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल लर्न कर लेना, ज़्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा, आप अपने उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, एंड अगर इसके नोट्स अगर चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।